हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। अगर आप एक BTS आर्मी हैं तो आर्मीज को तो हमेशा अपने आइडल के प्राइवेट लाइफ से जुड़े खबरों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ख़ासकर अगर उनके परिवार की शादी या ऐसे कोई बड़ी फंक्शन की बात हो तो फैंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और ऐसे में अगर फैंस को कोई वीडियोस या पिक्चर्स मिल जाए उन आइडल्स की और उनके परिवारों की, तो उसमें क्या कहना। तो आपको पता ही होगा कि सुगा के बड़े भाई की शादी थी, और जब लोगों को BTS मेंबर मिनी यूंगी यानी कि सुगा के पिक्चर्स और वीडियोस देखने को मिले, तो सुगा को खुश देखकर फैंस भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और आर्मीज के मन में ये सवाल उठा कि बाकी सब मेंबर्स जैसे कि RM, जिमिन, भी और JK कोई सुगा के भाई के शादी अटेंड करने आए थे या नहीं। मैं आपको बता दूं कि आप जो सब वीडियोस और फोटोज़ देख रहे हैं कि जोंगकुक और भी मिनयोंगी के भाई के शादी में पहुंचे या RM और जिमिन सुगा के भाई के शादी में पहुंचे, वो सब फेक है, क्योंकि किसी भी फोटोज़ या वीडियोस में उन सबको देखा नहीं गया है। ये तो क्लियर ही हो चुका है कि कोई भी मेंबर सुगा के भाई के शादी में नहीं पहुंच पाया है। हाँ, हो सकता है उनकी खुद की बिजी शेड्यूल्स हो, जैसे कि तो कोरिया में है ही नहीं, वो सिलेन की शो अटेंड करने के लिए पेरिस गए हुए हैं। और जोंगकुक, जिनका अभी अभी सोलो एल्बम रिलीज हुआ है 7, वो उसकी प्रमोशन में बीजी है, तो भी और जोंगकुक का आना तो इम्पॉसिबल ही है। और रही बात बाकी मेंबर्स की, तो अगर वो लोग जीन और जेहोप के फैमिली मेंबर्स के फंक्शन में जा सकते हैं, तो सुगा के फंक्शन में भी जाने के लिए कोई हर्ज नहीं था, लेकिन उनके खुद के ही कुछ बिजी शेड्यूल्स होंगे, इसलिए वो सुगा के भाई के साथ ही अटेंड नहीं कर पाए। तो अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये जानकर कि कोई भी BTS मेंबर सुगा के भाई के साथ ही अटेंड नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही छोटी बड़ी BTS की न्यूज़ के लिए। थैंक यू।